श्री कैसेट इस्लामिक और संजय अग्रवाल जी की जानिब से बड़ा ही बेहतरीन वाकया हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसका टाइटल है वाकया एक बेवा औरत और एक अय्याश आदमी। सामईन, इसे गाया है तिलबर मेरा साबरी टूको बदायूनी ने और इसे लिखा है हिंदुस्तान के अजीम शायर जनाब फहीम शाद पाइती कला अमरोहा और इसका म्यूजिक दिया है राजू खान साहब ने, रिकॉर्डिंग गुलाम साबिर साहब ने की है, संयोजक मुसर्रत अली जी हैं। लीजिए सामीन, बड़ा ही प्यारा सा वाकया, वाकया एक बेवा औरत और एक अय्याश आदमी। एक बेवा की गुर्बत का माजरा, लिखता है शाद गौर से इसको सुनो जरा, लिखता है शाद गौर से इसको सुनो जरा, पाकीज़ा एक बेवा की गुर्बत का माजरा, पाकीज़ा एक बेवा की गुर्बत का माजरा, पाकीज़ा एक बेवा की गुर्बत का माजरा। शौहर के बाद जिंदगी बेनूर हो गई, गम थे करीब दिल के खुशी दूर हो गई, बेवा के तीन बच्चे थे गम से मलूल की, फिर भी खुदा की उसको इबादत कबूल की, सर अपना वो झुकाती थी हर एक नमाज में, पाकीज़गी झलकती थी उसके मिजाज में, माना के उसकी जिंदगी मुश्किल में थी बड़ी, फिर भी खुदा का शुक्र वो करती थी हर घड़ी, दुश्वारियों के वक्त को खुश हो के टालती, बस करके झाड़ू पोछा वो बच्चों को पालती, जाकर अमीर जादों के करती थी काम वो, रखती थी अपने दिल में खुदा का कलाम वो, मेहनत का जो अमीरों से मिलता उसे अजर, बेवा उसी के दम से चलाती थी अपना घर, दिल मुतमईन था उसका इसी इत्मीनान पर, मिलते ही पैसा जाती थी फौरन दुकान पर, राशन बुला के घर में बनाती थी रोटियां, राशन बुला के घर में बनाती थी रोटियां, बच्चों के साथ बैठ के खाती थी रोटियां, बच्चों के साथ बैठ के खाती थी रोटियां, बच्चों के साथ बैठ के खाती थी रोटियां। देखिए सामीन,
एक बेवा औरत है, इसके शौहर का इंतकाल हो चुका है और इसके तीन बच्चे हैं। अब ये बच्चों को किस तरह पालती है, अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए ये औरत अमीरों के घर पे जाती है और झाड़ू बर्तन करके जो भी पैसा मिलता था उससे राशन लाकर अपने बच्चों को खाना खिलाती है। आगे का वाकया समाप्त करें। एक रोज काम के लिए घर से चली शिताब, पैबंद पैर हन में था, चेहरे पे था नकाब। वो जा रही थी काम की उसको तलाश थी, पैसा कमा के लाने की बस दिल में आस थी। जाती थी घर में तन्हा वो बच्चों को छोड़कर, पैबंद इक लगी हुई चादर को ओढ़ कर। जाने कहां से शहर का बदमाश आ गया, बस रफ्ता रफ्ता बेवा के वो पास आ गया। जालिम अमीर शहर था, मक्कार बहुत था, इज्जत का लड़कियों की तलबगार बहुत था। मशहूर पूरे शहर में उसका था ये सितम, पहले शिकार करता है फिर बाद में खत्म। जानी था रोज करता था बदकारियां बड़ी, देता था औरतों को वो दुश्वारियां बड़ी। बेवा के पास आके वो कहता है ना बुखार, ख्वाहिश में तेरी हो गया दिल मेरा बेकरार। बेवा भी ये समझ गई ये वो ही दरिंदा, बेवा भी ये समझ गई ये वो ही दरिंदा। इज्जत ये लूटता है तो रखता नहीं जिंदा, देखिए सामेईन। इस पाक दामन औरत को एक दिन वो अपने घर से काम के लिए जाती है तो रास्ते में ये बदमाश यानी ये अय्याश आदमी मिल जाता है और वो औरत इसको देखती है तो वो समझ जाती है कि ये वही दरिंदा है, पहले औरतों की ये इज्जत लूटता है और फिर मार देता है। आगे का वाकया समाप्त करें सामेईन, आगे क्या होगा सुनिए। बोला ए नाज़िनीन मुझे ये जरा बता, रहती कहाँ है अपने मुझे घर का दे पता। सुनकर ये बात बेवा ने उससे किया कलाम, मुझसे ए भाई तुमको है बतलाई ये क्या काम। ना भाई ना बहन ना मेरे वालिदैन है, मैं गमज़दा हूँ मेरे बरसते ये नैन है। ना रोको रास्ता ना मुझे यूं सताओ तुम, बेबस समझ के ना मेरे नजदीक आओ तुम। शादी शुदा हूँ कर गया शौहर भी इंतकाल, बच्चे हैं मेरे तीन मुझे उनका है मलाल। जाती हूँ काम के लिए बच्चों को छोड़कर, जाने तो तुमसे कहती हूँ मैं हाथ जोड़कर। बोला अमीर शहर मुझे तू पसंद है, पाने को तुझे दिल ये मेरा अर्जुमंद है। एक रात मेरे साथ कर कर ले तू कयाम, करना पड़ेगा इस तरह घर घर न तुझको काम। बच्चों का अपने जिम्मा तू सर मेरे डाल दे, बच्चों का अपने जिम्मा तू सर मेरे डाल दे। बस एक बार तू मेरी हसरत निकाल दे, बस एक बार तू मेरी हसरत निकाल दे, बस एक बार तू
बच्चों का अपने जिम्मा तू सर मेरे डाल दे, बस एक बार तू मेरी हसरत निकाल दे। वो अय्याश यानी वो अमीरे शहर इस पाक दामन औरत से रास्ते में कहता है कि तू मेरी बात मान ले, मैं तुझे माला माल कर दूंगा, ये दर दर भीख मांगना छोड़ दे तू और मेरी बात मान ले। लेकिन वो औरत हक पे थी और पाक दामन थी, वो अपनी इज्जत इस जल्लाद से कैसे बचाती है, आगे का वाकया समाप्त कर लिया। औरत ये बोली, इतनी भी मजबूर नहीं हूँ, रब का करम है साथ में माजूर नहीं हूँ। लानत है ए अमीर तेरे इस ख्याल पर, पुख्ता मेरा यकीन है रब्बे जलाल पर। कैसे कटेगी जिंदगी परवाह नहीं मुझे, फिर भी खुदाए पाक से शिकवा नहीं मुझे। ऐसा ख्याल दिल में तू लाना नहीं कभी, दौलत का रोग मुझ पे जताना नहीं कभी। इज्जत ना अपनी बेचूंगी औलाद के लिए, रब मेरा मेरे साथ है इमदाद के लिए। ये कह के नेक बेवा वो घर अपने आ गई, दिल पे अमीर जादे के खंजर चला गई। सुनकर अमीर जादे को सदमा हुआ बड़ा, कितने महीने उसके वो पीछे यूं ही पड़ा। लेकिन वो बेवा ना गिरी अपने मयार से, करती रही दुआ यही परवरदिगार से। दामन में मेरे दाग तू लगने नहीं देना, दामन में मेरे दाग तू लगने नहीं देना। दिल में बुरे ख्याल को जगने नहीं देना, कहती है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपनी इज्जत पे दाग नहीं आने दूंगी। और अल्लाह ने अगर मुझे बच्चे दिए हैं और ये जिंदगी दी है तो खाने को भी वही देगा। कहती है दामन में मेरे दाग तू लगने नहीं देना, दिल में बुरे ख्याल को जगने नहीं देना। आगे का वाकया भी समाप्त करें, आगे क्या होता है सुनिएगा सामयिक। अलकिस्सा फिर घड़ी बड़ी मुश्किल की आ गई, फाका कशी गरीबों की बस्ती पे छा गई। सूखा पड़ा था शहर पे आई थी मुसीबत, पूरी गरीब कैसे करे अपनी जरूरत। बेवा हुई थी मुबतिला किस इम्तहान में, बच्चों के साथ बैठी थी अपने मकान में। बच्चे ये बोले अम्मी हमें खाना चाहिए, जाती है जान भूख से हमको बचाइए। माँ से न जब के देखी गई उनकी निदामत, मांगूंगी भीख दिल में ये उसने की नियत। बोली वो देखो बच्चों मैं बस्ती में जाऊंगी, खाना तुम्हारे वास्ते लेकर मैं आऊंगी। जाकर अमीर जादों के घर उसने दी सदा, बच्चों के लिए करती है खाने की इल्तिजा। ममता के आगे अपनी बोला चार हो गई, जो भी मांगने को भी तैयार हो गई। फिर भी किसी के घर से उसे कुछ नहीं मिला, किसी के घर से उसे कुछ नहीं मिला। आंखों से जारी हो गया अश्कों का सिलसिला, आंखों से जारी हो गया
देखिएगा सामेईन, जिस बस्ती में ये औरत रहती है उस बस्ती में फाका कशी हो जाती है, बस्ती पे सूखा पड़ जाता है। और इसके तीन बच्चे हैं, बच्चे माँ से खाना मांगते हैं, लेकिन ये कहाँ से लाए। लेकिन माँ माँ होती है सामेईन, माँ अपने बच्चों के लिए भीख मांगने को भी तैयार हो जाती है। अब आगे ये भीख मांगती है तो कोई इसे कुछ नहीं देता, तो ये फिर उसी अय्याश आदमी के घर पे जाती है कि हो सकता है कि रहम खाकर वो कुछ ना कुछ दे दे। लेकिन आगे होता क्या है, समाप्त करें। जब सब ने कुछ भी देने से इनकार कर दिया, घर अपने आई जब उसे लाचार कर दिया, बच्चों ने माँ को देखा तो उनको खुशी मिली, लेकर कटोरी हाथ में कहने लगे सभी, अम्मी हमें अब और ना बेचैन कीजिए, लेकर कटोरी हमसे हमें खाना दीजिए। माँ का कलेजा फट गया बच्चों को देख कर, बेवा अमीर शहर के फौरन चली वो घर, जाते ही वो अमीर से करती है इल्तिजा, ऐ भाई मेरे बच्चों की आने को है कजा, बच्चे हैं भूखे घर में पकाने को कुछ नहीं, वो रो रहे हैं भूख से खाने को कुछ नहीं, सदते में पंज तन के मुझे कुछ तो दीजिए, लिल्लाह मेरे हाल पे कुछ रहम कीजिए। बोला अमीर बात मेरी मान लो, अगर जो चाहो तुम खुशी से वो ले जाओ अपने घर। ये सुन के बोली तू तो मुसलमान ही नहीं, ये सुन के बोली तू तो मुसलमान ही नहीं, पत्थर का दिल है तेरा तू इंसान ही नहीं, पत्थर का दिल है तेरा तू इंसान ही नहीं, पत्थर का दिल है तेरा तू इंसान ही ये औरत मजबूर होकर उस अमीर यानी उस अय्याश आदमी के यहाँ पर पहुँच जाती है और हाथ जोड़कर कहती है कि मुझे कुछ ना कुछ दे दो वरना मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। लेकिन ये रहम नहीं खाता है और कहता है कि तू मेरी बात मान ले तो मैं तुझे सब कुछ दूंगा। लेकिन वो औरत इनकार कर देती है तो वो अमीर अय्याश आदमी अपने घर से भगा देता है। आगे क्या होता है सुने। ये सुन के उसने बेवा को घर से बाहर किया, फौरन अमीर जादे ने धक्का उसे दिया, खश खा के वो जो गिर पड़ी उसको लगा जख्म, फिर उसके खून बहने लगा सर से एकदम, सब रो रहे थे बेवा का ये हाल देख कर, माँ का कलेजा इस तरह पामाल देख कर, खुद को संभाला बेवा ने घर अपने आ गई, बच्चों की भूख क्या कहे कितना सता गई, बच्चों ने माँ को देखा तो बेचैन हो गए, तीनों ही अश्कवार हुए होश खो गए, बच्चों ने कहा माँ से ये एहसान कीजिए, पूरा हमारे दिल का ये अरमान कीजिए, माँ ने कहा ना इस तरह आंसू बहाइए, हसरत है क्या तुम्हारी मुझे ये बताइए, बोले वो हमको मार दो तुम घोट के गला, हो जाएगा खत्म ये मुसीबत का सिलसिला। मादर का दिल तड़प गया ये बात जान कर, मादर का दिल तड़प गया ये बात जान कर, मादर का दिल तड़प गया ये बात जान कर,
फिर आई घर अमीर के कुछ दिल में ठान कर, फिर आई घर अमीर के कुछ दिल में ठान कर, फिर आई घर अमीर के कुछ दिल में ठान कर। अमीर घर से धक्का देकर बाहर कर देता है और इसके सर में चोट लगती है। जब माँ ये घर आती है तो बच्चे तड़प कर माँ को देखते हैं और रोने लगते हैं और माँ से कहते हैं कि माँ तू हम पे एक एहसान कर, हमारा गला घोट कर हमें ख़त्म कर दे, ताकि तू किसी के आगे भीख ना मांग सके हमारे लिए। तो सामेईन ये माँ जब सुनती है बच्चों की ये बात तो फिर उसी अमीर के यहाँ पर दोबारा जाती है मजबूर होकर। आगे का वाकया भी सुन लीजिए। कुंजी जो खड़खड़ाई तो दिल में हुआ ख्याल, करबल में किस तरह लुटा वो फातिमा का लाल, सब घर का घर लुटा दिया शिकवा नहीं किया, शब्बीर ने ईमान का सौदा नहीं किया, देखा अमीर शहर ने दरवाजा खोल कर, हंसने लगा वो बेवा को ये बात बोल कर, फिर मेरे घर पे आके ही रुकना पड़ा तुझे, मेरी रजा के आगे ही झुकना पड़ा तुझे। बेवा ने ये जवाब दिया उसको जल्द तर, इज्जत का सौदा करने में आई थी तेरे घर, लेकिन ख्याल फातिमा जहरा का आ गया, सब्रे अली ओ फातिमा मुझको बचा गया, दामन में उनका हाथ से जाने नहीं दूंगी, इज्जत पे अपनी दाग में आने नहीं दूंगी। बोला अमीर शहर तू बच्चों की फिक्र कर, मर जाएंगे वो भूख से तुझको नहीं खबर, बोली के अब तो बच्चों की कोई फिक्र नहीं, फिकर नहीं, ईमान सलामत है मुसीबत का डर नहीं, ईमान सलामत है मुसीबत का डर नहीं, ईमान सलामत है मुसीबत का डर नहीं। वो औरत मजबूर होकर उसी अय्याश आदमी के घर पे जाती है और वो आदमी जब बाहर निकल कर आता है तो इतने में उस औरत के दिल में ख्याल आता है फातिमा जहरा का और करबला के शहीदों का। ये बात जब वो औरत उस अय्याश आदमी से कहती है तो वो सुधर जाता है और बुरे कामों से तोबा कर लेता है। आखिरी बंद में हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब फहीम शाद क्या कहते हैं मुलाहिज़ा करने। ये सच है सबकी जिंदगी मालिक के हाथ है, कैसे गिजा वो देगा ये खालिक के हाथ है, जब ये सुना अमीर को झटका लगा पड़ा, मैं भी मरूंगा मौत का झटका लगा पड़ा, बदकारियों से मैं ना अगर बाज आऊंगा, कैसे खुदा को हश्र में फिर मुंह दिखाऊंगा, पहले तो दिल से तौबा की फिर उसने ये किया, सब जर खुदा के नाम पे उसने लुटा दिया, बेवा से जाके बोला वो सुन ओ मेरी बहन, गुलजार होगा देखना फिर से तेरा चमन, भाई हूँ मैं तेरा मुझे कर दे ना मुआफ़ तू,
दिल से मेरी बुराई को कर देना साफ तू। बेवा ये सुन के खुश हुई फिर उसने की दुआ, अल्लाह मेरे भाई की कर मुआफ़ हर खता, बस दर गुजर करम से तू हर इसकी भूल कर, इसके गुनाह बख्श दे तौबा कबूल कर। अल्लाह शाद उस पे मेहरबान हो गया, अल्लाह शाद उस पे मेहरबान हो गया, अल्लाह शाद उस पे मेहरबान हो गया। फिर वो अमीर साहिबे ईमान हो गया।